हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं जीके विद दिलीप। आज मैं आपके लिए सौरमंडल से जुड़े पार्ट टू वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देने वाला ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शनि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शनि, ऑप्शन नंबर बी वरुण, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शनि। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी शनि और ऑप्शन नंबर डी मंगल। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शनि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी बुध और ऑप्शन नंबर डी वरुण। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुक्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी अरुण और ऑप्शन नंबर डी मंगल। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंगल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यम ग्रह की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए इराटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर बी कॉपरनिक्स, ऑप्शन नंबर सी क्लाइटम्बर्ग और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लाइटम्बर्ग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी शनि और ऑप्शन नंबर डी अरुण। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरुण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 15। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के उपग्रह हैं? ऑप्शन नंबर ए शनि, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी वरुण और ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैक्सवेल किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु है? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और ऑप्शन नंबर डी शुक्र। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शुक्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी बुध और ऑप्शन नंबर डी सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुध। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी अरुण, ऑप्शन नंबर सी शनि और ऑप्शन नंबर डी वरुण। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी व बुध, ऑप्शन नंबर बी शनि व बुध, ऑप्शन नंबर सी मंगल व शनि और ऑप्शन नंबर डी अरुण व वरुण। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरुण व वरुण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेरिड किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी वरुण और ऑप्शन नंबर डी शुक्र। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वरुण। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।